अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है सर, बड़ा करम मालिक। इस दफा कहा फरीद भाई, अभी मैं प्रभु मोहम्मद से बात कर रहा था कि करना तो हो गया। मतलब अब ये है कि मतलब लोगों की ना वो एक ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशन भी है जी, तो मेरे तो उसमें एक आ रहा था या तो हम अच्छा एक तो कलाम एक करना मेरे ख्याल बड़ा जरूरी, एक जो हमारी तरफ थोड़ी वो आई ना कि फरीद भाई से आपने कलाम नहीं पढ़ा। अब उसमें कलाम के सिलसिले में भी हमें आपको सबको बैठ कर इसमें चुनाव करना पड़ेगा। आप हजरात का सबका ताबुन हमारे साथ रहा और बड़ी खूबसूरती से हम लोगों ने रात में मेहनत करी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक सेकेंड का हजारवें हिस्से को गिना है, तो ऐसे ऐसे वक्त के ऊपर तबीयत चाहती है कुछ चीर के दिखाने की। जैसे ही कोई कवाली पीस वो शुरू करते हैं तो वो उस दुनिया में चले जाते हैं, और इस तरह के आर्टिस्ट जो हैं वो इंस्पिरेशनल होते हैं बाकी बैंड के लिए। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी है, इसको संभालना जरूरी है। बस अब आपके साथ एक हमें करनी होगी, आप सर टाइम तय कर लेते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे अलग में, ताकि फिर हम अपने टाइम से तैयारी इसकी शुरू करें। लास्ट कंगने की तरह जी, कंगने की तरह, कंगना की तरह, कंगना की तरह, कंगना की तरह, कंगना की तरह, कंगने की तरह। इस तरह कैरवे की फील इसमें फिट करती है। इसमें मेन, इसमें एक तो ये मेन तो चल रहा होगा ना, आगे बड़ा स्ट्रेट 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 रख कर दिया, फिर एक तीन वाला पक्ष कवालों के साथ एट एनी गिवन पॉइंट दे कैन चेंज, दे कैन गो इनटू सम अदर सेक्शन। तो हाउस बैंड के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि उनको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाए फॉलो करना है। तो ये चैलेंजेस आई थिंक बीइंग म्यूजिशियंस, दीज आर द चैलेंजेस दैट वी लुक फॉरवर्ड टू। ये डाई डाउन फील है, वो इतने मज़े लेकर वो गाते हैं और बजाते हैं और सुनाते हैं, तो इट इज़ मेजमराइजिंग फॉर मी, तो आई वाज लॉस्ट थ्रू आउट देयर सेट। अच्छा, ये डबल वाली बीट में कह रहा हूँ पहले से ले आए, बहुत एंड में आ गए। वो वैसे भी उनकी गायकी के अंदाज में भी कोई ऐसा कहते हैं तो सब रेडी हो जाते हैं, पीछे भी जो होते हैं ना वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमारा क्यू सबसे बड़ा वही है जो साथ रहे। एक जरूरी चीज है जो हम मिस कर जाते हैं ना कभी कभी, फ्री दयाज पीछे से आगे साइकिल कंप्लीट करके फिर स्लो डाउन हो,
साइकिल के बीच में स्लो नहीं हो, वो आर्ट का जो चल रहा है ना, तो वो बजाते जाए हाई इंटेंसिटी एंड देन ड्रॉप इट टू द व्हिचएवर द नेक्स्ट वन इज, उसमें एकदम फील चेंज कर रहा, बाकी तो ओके। अच्छी शख्सियत के लिए अच्छी रूह का होना बहुत जरूरी है। हा, कहते हैं कि वो मन मैलो, मन मैलो तन ऊजलो, मन तो काला है या अंधेरा है, तन ऊजलो सो बगले जैसा भेस, सबसे तो कागा भला, कागा कहते कौए को, सबसे तो कागा भला जो अंदर बाहर एक। बगले के बारे में मशहूर है कि वो ऊपर से सफेद होता है लेकिन उसका गोश्त काला होता है। मन मैलो तन ऊजलो सो बगले जैसा भेस, सबसे तो कागा भला जो अंदर बाहर एक। तो ये कव्वाली और ये सूफीज़म के ये अफकार, ये थॉट्स मन के अंधेरे को या उस कालेपन को दूर करने में काम आ रहे हैं। इजाज़त चाहेंगे।